पुलिस ने बंधक बनाए गए सभी 23 बच्चों को सुरक्षित छुड़ाया। इनकाउंटर में आरोपी सुभाष की मौत हो गई है और इससे पहले उसने खत लिखकर के बताया था कि लंबे वक्त से सरकारी योजना के तहत घर और टॉयलेट की मांग कर रहा था, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुरुवार रात की ये तस्वीरें जहां पर लगातार सुभाष को समझाया गया लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुभाष नहीं माना और ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग करता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनकाउंटर के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की पत्नी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे, रात की ये तस्वीरें लगातार, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा लगभग 11 घंटे तक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लगातार सुभाष को समझाया गया लेकिन उसके बावजूद सुभाष नहीं माना, बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 11 घंटे ये ऑपरेशन चलता रहा, जिस दौरान 11 घंटे तक बच्चे बंधक बने रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनकाउंटर के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार सुभाष को समझाया गया लेकिन सुभाष नहीं माना और उसके बाद सुभाष ने ग्रामीणों और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और इस दौरान एक युवक भी इस हमले में घायल हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात की ये तस्वीरें जहां पर लगभग 11 घंटे के बाद भी सुभाष नहीं मान रहा था, जिसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और गेट को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, गुरुवार रात की ये तस्वीरें जहां पर लंबे समय से सुभाष को समझाया गया लेकिन उसके बावजूद सुभाष ने बच्चों को नहीं छोड़ा और ये तस्वीरें रात की है जहां पर ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए थे और ग्रामीणों ने गेट को तोड़ने का प्रयास किया। रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। ग्रामीणों में आक्रोश भी था क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को लगभग 11 घंटे हो चुके थे और बच्चे अभी भी घर के अंदर बंधक बने हुए थे, बच्चों को बंधक बनाया गया था। 23 बच्चे घर के अंदर मौजूद थे, बच्चों में काफी डर भी गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला और ये तस्वीरें, रात की ये तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, लगातार पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की तरफ से सुभाष को समझाए जाने का प्रयास किया गया, लगातार उससे बात की गई लेकिन उसके बावजूद यहां पर बच्चों को नहीं छोड़ा गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर के ऊपर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सुभाष को समझाए जाने का प्रयास लगातार जारी है लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुभाष नहीं माना। 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा, 23 बच्चे घर के अंदर मौजूद रहे। तो रात की ये तस्वीरें आपको बता दें, लगभग 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, 9 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा जहां पर लगातार सुभाष को समझाए जाने का प्रयास चलता रहा लेकिन उसके बावजूद सुभाष नहीं माना और उसके बाद यहां पर आखिरकार सकुशल सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। तो इनकाउंटर के बाद आरोपी सुभाष की मौत हो गई है। इनकाउंटर के बाद आपको बता दें कि ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की पत्नी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान आरोपी की पत्नी की मौत हो गई। तो फरुखाबाद की तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। 11 घंटे तक बच्चे बंधक बने हुए थे जिसके बाद बच्चों में काफी आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। और रेस्क्यू के बाद की ये तस्वीरें जहां पर बच्चों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाला गया, बच्चों में काफी डर देखने को मिला। आपको बता दें लगभग गुरुवार दोपहर 2 बजे इन बच्चों को घर में बुलाया गया था और लगभग तभी से ही बच्चों को बंधक बना करके घर में रखा गया था। तो 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आरोपी से मुठभेड़, पुलिस की समय से
पुलिस लगातार इस आरोपी को समझाती रही, लेकिन इसके बावजूद और बच्चों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है। और आपको बता दें कि 23 बच्चों को बंधक बनाने का ये पूरा मामला है। सरेंडर के दौरान आरोपी सुभाष को मार गिराया गया है, और उससे पहले मारे जाने से पहले घर के बाहर उसने एक लेटर फेंका था। पीएम आवास योजना ना मिलने का उसने आरोप लगाया, और वहीं शौचालय योजना के तहत शौचालय ना मिलने का भी आरोप सुभाष ने लगाया है। परिजनों ने आपको बता दें कि घर में पथराव भी किया, जिसके बाद सुभाष ने किसी तरह से सरेंडर किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया गया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार यहां पर सुभाष को समझाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण भी मौजूद है, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद है। लगातार सुभाष से बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सुभाष नहीं माना। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और अब खबर